ये भाई ने पूछा पेट का दर्द। मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले ये जानो कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है। और मैं अक्सर कहता हूँ, दर्द कोई बीमारी नहीं है, दर्द कोई बीमारी नहीं है। अगर ये दर्द ना होती तो सच बताओ, हम कभी ये जान सकते थे कि मेरे पेट में क्या हो रहा है? अगर मेरे सर में दर्द ना होती तो मैंने कभी जाके किसी से पूछना था, यार ये ज़रा चेक करो मुझे क्या हो रहा है? ये दर्द एक अलामत है, ये एक साइन है। और अगर आपने उस साइन को ख़त्म कर दिया, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपके गाड़ी के अंदर जो फ्यूल कम होता है उसका एक साइन आता है, एक साइरन आता है। वो इसलिए आया कि गाड़ी का फ्यूल कम हो रहा है, तो हमें फ्यूल भरना चाहिए कि उस साइरन को तोड़ देना चाहिए? तो आप तो अपनी पेन को किल कर रहे हो। मेरा यकीन मानो मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये पेन किलर इलाज नहीं है। जिस वजह से दर्द है, पहले उस वजह को जानो, जब वो वजह समझ में आ जाए उसका इलाज करो। जब आपको वजह समझ आ गई, आपको पता चल जाएगा कि पेट में दर्द इसकी वजह से हुआ है, उस वजह को बंद कर दो। मेरे मोहतरम भाइयों, दवाइयों के चक्कर में मत पड़ो। यकीन मानो, मुझे लोग बताते हैं आके, डॉक्टर साहब जब से आपको सुनना शुरू किया है हमारी जिंदगी से दवाइयां निकल गई। और जब वो अपनी प्रॉब्लम के बारे में जानते हैं, और यकीन जानो छोटी छोटी चीज़ें बदली हैं, जैसे मैंने कहा घर का बर्तन बदल दो, अपने कुकिंग ऑयल बदल दो, अपनी चीनी बदल दो, अपना नमक बदल दो, अपना आटा बदल दो, अपना पानी बदल दो, ये बेस थी, सिर्फ इसको बदला। और मैंने सिर्फ इस्लामिक मेडिसिन के बारे में बताया। मैंने इस्लामिक मेडिसिन कौन सी बताई? मैंने बातें ही वो बताई जो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। कलवंजी के बारे में बताया, मेथी दाने के बारे में बताया, सना मक्की के बारे में बताया, तलबीना के बारे में बताया, शुनीज़ के बारे में बताया, नबीज़ के बारे में बताया। लोगों ने लिया और अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रहे हैं। अदरक लहसुन पुदीने नारदाने की चटनी कॉमन सी एक चीज़ है, आप सब लोग इस्तेमाल करते थे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दर्द के बारे में पहले जानो दर्द क्यों है। जब पता चल जाए कि दर्द क्यों है तो उसका इलाज करो। वो जो क्यों है उसके बेशुमार सबब होंगे, उस सबब को ठीक करेंगे तो इंशाल्लाह दर्द ठीक हो जाएगी।